हेलो दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल रिवाइव नेट पे स्वागत करता हूँ। और आज हम देखेंगे हमारा थर्ड पार्ट, जिसमें हम देखेंगे ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। पर इसका नाम ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल हो के भी ये ईसोफेगस से सिर्फ रेक्टम तक होता है, ये ध्यान में रखिएगा। फिर कौन सा पार्ट बचा दोस्तों? बचा हमारा एनस। फिर एनस तक ये नहीं होता। फिर हम इसमें और इस वीडियो लेक्चर में और एक देखेंगे, वो होगा डिफरेंशिएशन बिटवीन स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ड्यूओडेनम, जेजुइनम एक्सेट्रा। तो दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं और आज का हमारा टॉपिक हिस्टोलॉजी ऑफ गट या फिर ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ये स्टार्ट होता है ईसोफेगस से और ख़त्म होता है रेक्टम पे। तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे एक पार्ट नहीं है, जो कि हमारा एनस है। और यही नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट इज नॉट प्रेजेंट इन द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। सो द एनस इज द पार्ट विच इज नॉट प्रेजेंट इन द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। तो दोस्तों, अब हम देखेंगे गट के चार लेयर्स होते हैं, जिसे कहते हैं हम सीरोसा, मस्कुलारिस, ट्यूब, सब म्यूकोसा और म्यूकोसा। इन ये चार पार्ट्स हैं। और फिर अब हम आज के लेक्चर में ये भी देखेंगे कि डिफरेंशिएशन बिटवीन लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ड्यूओडेनम, जेजुइनम एंड इलियम, ये भी हम देखेंगे। फिर अब हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों सीरोसा से। सीरोसा इज द आउटर मोस्ट लेयर। आपको पता ही होगा कि हर एक आउटर मोस्ट लेयर का एक ही काम होता है कि वो अपने इनर अंदर के लेयर्स को प्रोटेक्ट करे। तो सीरोसा का भी यही काम है कि वो अपने अंदर के लेयर्स को प्रोटेक्ट करता है। और फिर ये एक मेसोथीलियम और कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है, और इसे ईसोफेगस में ट्यूनेकल एडवांटेशिया फ्लुएंडा कहते हैं, यही काम की वजह से। क्योंकि ये आप देख सकते हैं कि ईसोफेगस का ट्रांसवर्स सेक्शन है, तो ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर में है। मैंने इसे रेड हाईलाइट से हाईलाइट किया हुआ है, तो इसकी वजह से ही इसे ये नाम दिया गया है। फिर हमारा अगला टॉपिक है मस्कुलैरिस। मस्कुलैरिस प्रेजेंट होता है सिरोसा के बाद में, और ये बना होता है स्मूथ मसल्स से। वो दोनों स्मूथ मसल्स दो पार्ट्स में अरेंज होते हैं। पहला है आउटर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स और दूसरा है इनर सर्कुलर मसल्स। तो एक्स्ट्रा लेयर ऑफ ऑब्लिक्यू जो होता है इसका, सिर्फ वो स्टमक में प्रेजेंट होता है। और ये स्टमक में वर्क करता है कि वो चर्निंग ऑफ फूड में काम आएगा। फिर लॉन्गिट्यूडनल मसल और सर्कुलर मसल का एक नर्व का नेटवर्क होता है, और वो उसे हम माइनेट्रिक प्लक्स बोलते हैं, जो कंट्रोल करता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को। तो दोस्तों, आपको लगता होगा कि आपको पता नहीं होगा कि प्लक्स का मतलब क्या है। तो ये प्लक्स है नेटवर्क ऑफ नर्व्स, मतलब प्लक्स। तो दोस्तों, ये आप लिख लीजिएगा, ये आपको बहुत मदद करेगा आपके नीट के एग्जाम के लिए। फिर अब हम देखते हैं सबम्यूकोसा। सबम्यूकोसा अपने मस्कुलाइरिस के बाद में प्रेजेंट होता है। लूज कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है ये। फिर ये कंटेंट करता है ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स और नर्व्स। तो दोस्तों, अभी यहाँ पे नर्व्स आया, मतलब क्या आएगा? प्लक्स आएगा। तो यहाँ पे प्लक्स कौन सा प्रेजेंट होता है? सब म्यूकोजल प्लक्स। तो इस प्लक्स का नाम भी आपको लिख के रखना है। और ये प्लक्स किस काम को आता है? ये डाइजेस्टिव सिक्रेशंस सिक्रीट करने के काम में आता है, और कंट्रोल करने के काम में आता है। ये सब म्यूकोसा प्रेजेंट होता है अपने डियोडेनम में, और ब्रूनर्स ग्लैंड में प्रेजेंट होता है, और वहाँ पे ये म्यूकस सिक्रीट करने का काम करता है। अब हम देखेंगे म्यूकोजा। म्यूकोजा एक इनर मोस्ट लेयर होता है, जो सिक्रीट एंड एब्जॉर्बेटिव सेल्स से बना होता है, और ये इंटेस्टाइन में विलाय का रूप लेता है, और अपने स्टमक में ये गैस्ट्रिक रगी का रूप लेता है। फिर म्यूकोसा को फर्दर डिवाइड किया गया है मस्कुलैरिस, म्यूकोसा, फिर लैमिनल प्रोपिया, सरफेस इपिथीलियम में। फिर ये अब हम देखेंगे इसका यूज़ क्या होता है। ये ग्रेस्ट्रिक ग्लैंड की तरह अपने स्टमक में काम करता है, और इंटेस्टाइन में फ्यू क्रिप्ट आर नोन एज लैब्रिक्यून फ्रिक्ट्स। तो ये कंटेंट करते हैं डिफरेंट सिक्रीशन एंड सिक्रेटरी इंटेस्टाइनल जूसेस। तो अब हम देखते हैं आगे डिफरेंशिएशन बिटवीन ड्यूओडेनम, जेजुइनम एंड इलियम। इनका डिफरेंशिएशन
किया गया है पार्ट के बेसिस पे, शेप के, लेंथ के, डायमीटर के, पाइकियल सर्कुलरिस, फिर थिकनेस, विलाय, शेप ऑफ विलाय, ब्रूनर्स ग्लैंड एंड पिवर पिचेस के बेसिस पे। तो अब हम देखते हैं पार्ट्स के बेसिस पे इनका डिफरेंशिएशन। दोस्तों मैं आपको एक 30 MCQs दे रहा हूँ दोस्तों, 30 MCQs। तो आपको इनका स्क्रीनशॉट लेना होगा और आपको ये लिख के भी लेना होगा। 30 MCQs बहुत बड़ी बात है दोस्तों, वो भी एक ही लेसन की, और वो भी इतने शॉर्ट फॉर्म में, क्योंकि मैं बिलीव करता हूँ कि हार्ड वर्क से ज़्यादा स्मार्ट वर्क, और हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क जिस जगह पे आ गए तो दोस्तों वो तो सोने पे सुहागा है दोस्तों। और अब ये हम देखते हैं, अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ड्यूओडेनम का इनका जो डिफरेंशिएशन है वो पार्ट के बेसिस पे, हमारा ड्यूओडेनम एंटीरियर पार्ट पे होता है, जेजुनम मिडल पार्ट पे होता है, इलियम टर्मिनल पार्ट पे होता है। शेप के बेसिस पे हम देखते हैं वो है ड्यूओडेनम का कर्व शेप, जेजुनम और इलियम का कॉइल शेप होता है क्योंकि उनकी लेंथ भी ज़्यादा होती है। अब हम देखते हैं लेंथ के बेसिस पे, तो लेंथ का डिफरेंशिएशन 20-25 सेंटीमीटर ड्यूओडेनम होता है, जेजुनम 1.8-2.4 मीटर का होता है, और इलियम 2.5-4.5 मीटर का होता है। डायमीटर के बेसिस पे हम देखेंगे तो 4.5 सेंटीमीटर का ड्यूओडेनम होता है जो कि सबसे वाइडेस्ट पार्ट है, और फिर 4 सेंटीमीटर का जेजुनम होता है, 3.5 सेंटीमीटर का इलियम होता है। पेलिस या सर्कुलरिस की बेसिस पे डिफरेंस, फीवर मतलब बहुत कम नंबर में होता है ड्यूओडेनम में, एब्सेंट होता है जेजुनम में, और मॉडरेट फॉर्म में होता है इलियम में। अब हम देखते हैं थिकनेस के, तो सबसे ज़्यादा थिन होता है ड्यूओडेनम, फिर बाद में थिक होता है जेजुनम, और जेजुनम से ज़्यादा थिन होता है इलियम, और थिकनेस उसकी कम होती है ड्यूओडेनम से। अभी हम डिफरेंशिएशन देखेंगे हमारा विलाय के ऊपर, तो फाइन फॉर्म में वो प्रेजेंट होते हैं ड्यूओडेनम में, अबंडेंट फॉर्म में वो जेजुनम में प्रेजेंट होते हैं, फीवर और वो पार्ट में डिस्टल पार्ट में होते हैं इलियम के, और फाइन वो प्रॉक्सिमल पार्ट में होते हैं। ये पार्ट्स का डिफरेंशिएशन भी आपको आ सकता है दोस्तों नीट में, तो वो ये भी आप लिख लीजिएगा। अब ये 31 MCQ हो गए दोस्तों। अब हम देखेंगे शेप ऑफ विलाय, शेप ऑफ विलाय वो ब्रॉड होते हैं ड्यूओडेनम में, इलियम में वो नैरो और फिंगर लाइक होते हैं, जेजुनम में वो राउंड और टंग शेप्ड होते हैं। अब हम ब्रूनर्स ग्लैंड के ऊपर हम इनका डिफरेंशिएशन देखेंगे, तो वो प्रेजेंट होता है ड्यूओडेनम में, एब्सेंट होता है जेजुनम में, एब्सेंट होता है इलियम में। पिवर्स पीचेस के हम ऊपर अगर हम इनका डिफरेंशिएशन देखें तो एब्सेंट होते हैं ड्यूओडेनम में, एब्सेंट होते हैं जेजुनम में, प्रेजेंट होते हैं इलियम में। तो अब दोस्तों अब यहाँ पे देखने की बात है कि वो फाइन प्रोजेक्शंस क्यों होते हैं विलाय के, क्योंकि वहाँ पे जो एब्जॉर्प्शन है वो लेस होता है, और वो थिन होते हैं क्योंकि वहाँ पे भी एब्जॉर्प्शन कम होता है, क्योंकि हमारे ड्यूओडेनम में जो है वो एब्जॉर्प्शन कम होता है और डाइजेशन ज़्यादा होता है। अब मैं दे रहा हूँ आपको दोस्तों 24 MCQs, तो ये भी आप याद रखिएगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन का डिफरेंशिएशन। तो जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो 4.5 से लेकर 7 मीटर तक का लॉन्ग होता है, फिर हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है वो कंपैरेटिवली शॉर्ट होता है। तो आप देखेंगे, आप बोलेंगे कि इसका नाम स्मॉल इंटेस्टाइन और ये लंबा है, और इसका नाम शॉर्ट लार्ज इंटेस्टाइन और ये छोटा है, ये विड्थ के ऊपर डिफरेंशिएशन दिया गया है। तो अब हम देखेंगे विड्थ के ऊपर, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो नैरो होता है, 3.5 से लेके 4.5 सेंटीमीटर का होता है, और जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो कंपैरेटिवली ब्रॉड होता है, वो 4-6 सेंटीमीटर का होता है। अब हम देखेंगे इनके डिफरेंशिएशन पार्ट्स के बेसिस पे, तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें 3 पार्ट है, लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें 4 पार्ट है। तो इसके 3 पार्ट तो आपको पता है, ड्यूओडेनम, जेजुनम और इलियम स्मॉल इंटेस्टाइन के, और 4 पार्ट इसके भी पता है आपको, सीसीएम, कोलॉन, रेक्टम एंड कैनाल, एनल कैनाल। तो अब हम देखते हैं आगे का, वो है म्यूकोजल फोल्ड्स के ऊपर डिपेंडेंट, प्रेजेंट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, अब्सेंट होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में, विलाय प्रेजेंट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, अब्सेंट होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में, पेयर्स पीचेस के ऊपर यहाँ पे भी डिफरेंस है, वो प्रेजेंट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, अब्सेंट होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में, अब्सेंट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब हम देखते हैं
कॉइल का, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ऑब्सेंट होता है और प्रेजेंट होता है लार्ज इंटेस्टाइन में। तो अब है यूस्टियर का हम देखेंगे, तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ऑब्सेंट होता है और लार्ज इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है। डाइजेशन का अब हम देखेंगे, तो डाइजेशन कम्प्लीटली स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है और यहाँ पे नो रोल ऑफ डाइजेशन होता है लार्ज इंटेस्टाइन में। सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स अगर हम देखेंगे, तो सिक्रीट्स अ नंबर ऑफ हार्मोन्स एंड सिक्रीशन इज एब्सेंट इन लार्ज इंटेस्टाइन। तो अगर एब्जॉर्प्शन का देखेंगे, तो एब्जॉर्प्शन यहाँ पे न्यूट्रिशंस का होता है और वाटर का होता है, और लार्ज इंटेस्टाइन में सिर्फ यहाँ पे वाटर का होता है एब्जॉर्प्शन, और उसी के साथ ही जो रेसिड्यू फॉर्म में जो अनडाइजेस्टेड फूड बचता है उसका भी यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है। और जो मोर्टेलिटी पे अगर हम आए, तो फिर वो एब्डोमिनल कैविटी की वजह से यहाँ पे लिटिल अमाउंट में तो भी शो होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, पर यहाँ पे लार्जली फिक्स्ड होता है वो, इसलिए मोरबिलिटी इज वेरी 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 लिटिल इन लार्ज इंटेस्टाइन। तो दोस्तों प्लीज अब हम देखेंगे हमारी समरी ऐसी है। अब हमने पहले पढ़ा कि ट्रांस सेक्शन हमने पढ़ा एलिमेंट्री कैनल का, फिर हमने डिफरेंशिएशन बिटवीन डियोडेनम जेजुनम और इलियम देखा, फिर हमने डिफरेंशिएशन बिटवीन स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन देखा। सो दोस्तों प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और कमेंट में बताइएगा कि आपको और कौन से आपको चेंजेस चाहिए, तो वो चेंजेस में भी आपको मिलेंगे आपको मेरे अगले लेक्चर्स में। तो दोस्तों।